He isn't, I mean, okay, I'm not going to say anything to that, but हाँ, मुझे एक ऐसी फीलिंग जब आती है कि मैं इसके बारे में क्या बोलूँ, जो भी मैं बोलूँगी वो बहुत सिली लगेगा, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ा आपकी ज़िंदगी में एक मायने रखता है. तो फॉर मी इट वॉज रियली रियली इनक्रेडिबल. मिस्टर बच्चन, एक्चुअली मैं उनसे पहले भी मिली हूँ, लंदन पेरिस न्यूयॉर्क के दौरान, और उन्होंने एंड ही इज़ वो बहुत जेनरस हैं विथ हिज वर्ड्स एंड विथ हिज अप्रिसिएशन, एंड ही इज़ रियली अमेजिंग. और मुझे वो हमेशा याद रहा है कि हाउ ही हैज़ ट्रीटेड एन अ वेरी वेरी न्यू एक्टर. एंड दिस टाइम व्हेन आई गॉट टू वर्क विद हिम, एक आई सॉ इट अप क्लोज एंड पर्सनल, कि कैसे वो आपको टाइम देते हैं, कैसे वो आपके साथ रिहर्स करते हैं, और उनमें एक अमेजिंग फन सॉर्ट ऑफ ट्विंकल इन हिज आईज, एक शरारत सी है. वो हमेशा एक्साइटेड होते हैं अपने काम के बारे में, एंड एट द सेम टाइम एकदम फोकस्ड, डिसिप्लिन. तो ऐसी जब चीज़ें आप ऐसे इंसान में देखते हैं हु हैज़ इंस्पायर्ड मिलियंस इन दिस कंट्री एंड इन द वर्ल्ड, इट्स अमेजिंग टू ऑल्सो फाइंड दैट देयर सच अमेजिंग पीपल. ओके फ्रेंड्स, अगर मैं आपकी बात करूँ रॉकन से लेकर भाग मिल्खा भाग से लेकर या आपके किरदारों का अगर निगाह डाली जाए तो सब कहीं ना कहीं इंटेंस इमोशनल किरदार रहे हैं, चाहे वो भाग मिल्खा भाग का हो या क्या ये खास एक दौरान आपको बहुत अट्रैक्ट करता है और या आप बहुत ज़्यादा इसमें अपने आप को जाहिर कर पाते हैं? कुछ हद तक जो आप कह रहे हैं सही है, क्योंकि जो ड्रामा है वो जॉनर मुझे शायद एज अ व्यूअर ऑल्सो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। तो जो चीज़ें आपको पसंद है वो आपके चॉइसेस में भी रिफ्लेक्ट करेंगी, तो कुछ हद तक ये सही बात है। लेकिन मुझे थोड़ा कुछ हद तक जो एक हंसी मजाक की भी फिल्में होती हैं, जैसे ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा थी, उसमें कुछ अलग करने का एक मौका मिला था, कुछ हद तक दिल धड़कने दो में मिला कुछ हद तक, तो ऐसी होती हैं ऐसी भी फिल्में। शादी के साइड इफेक्ट्स में कुछ कॉमेडी करने का मौका मिला, तो ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उस जर्नी में एक ऐसा मोड़ आना चाहिए या कुछ एक ऐसा लेयर होना चाहिए जो एक सीरियस एक ड्रामेटिक लेयर भी हो साथ में, वरना मुझे लगता है कि कहीं बहुत हल्की 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 सी बातें हो जाती हैं लाइफ में। तो एक है शायद जो आपने नोटिस किया है परफॉर्मेंसेज में, कि ड्रामा की ओर जो एक लगाव है और एक खिंचाव है वो है शायद। उसके अलावा मैं दूसरा सवाल आपसे, कई बार एक आर्टिस्ट खुद भी बहुत कुछ कहना चाहता है फिल्म के बारे में, जैसे आपने जिक्र किया कि लोग कुछ धंधा पूछे तो हम कहेंगे, आपको कुछ कहना है ऑडियंस से कुछ कहना नहीं, मैंने चाहते? नहीं कहा लोग कुछ ढंग का पूछे, मैंने कहा लोग कुछ अलग अलग पूछे। ढंग का अलग होता है और अलग का अलग अलग का ढंग होता आप दोनों कुछ कहना चाहेंगे, और कोई कोई ऐसा सीन भी जब आप थिएटर से निकलते हैं ना ऑडियंस, जी। तो आपके जहन में जाता है यार वो सीन, वो सीन में मजा आता है, वो सीन आपके कुछ ऐसा मोमेंट नहीं, अभी होता वो सीन वो तो ऑडियंस डिसाइड करेगी कि क्या सीन, क्योंकि हर इंसान का एक अलग फेवरेट सीन हो जाता है फिल्म में, तो ऐसा है। लेकिन एक एक सीन है जो किचन में हम शूट कर रहे थे, जो एक रिकन्सिलिएशन का एक सीन है, वो सीन आई थिंक हमने कुछ 4 या 5 दिन इट टुक अस टू शूट दैट सीन, क्योंकि बहुत सारा अलग दूसरा भी काम था उस घर में, और जब भी उस सीन का वक्त आता था तो सेटअप तैयार हो जाता था लेकिन फिर वक्त खत्म हो जाता था, ऐसा कुछ था। तो बहुत बार हम एक इमोशनल मोमेंट पर आए थे कि आज हमारा मिलाप होकर ही रहेगा दीदी, और कहते सर आज पैकअप हो गया, आपका मिलाप परसों होगा। परसों फिर से पूछे, आज तो मतलब आज रोमांस होकर ही रहेगा, एक मिला सर आज अनफॉर्चुनेटली वो कुछ दूसरा करना पड़ेगा आज पहले, ठीक है, ऐसे कुछ कैरिड फॉरवर्ड होता रहा हमारा मिलाप। तो वो एक जब मैं आई फाइनली देखता हूँ उस सीन को, तो मुझे हमेशा वो दिन याद आते हैं जब वी वर ऑलमोस्ट रीयूनाइटेड बट अनफॉर्चुनेटली नॉट। अच्छा, व्हाई डोंट यू गो फर्स्ट? Why should people want to come and watch Wazir? Why they come and be a part of Wazir? Because मैं एक ऑडियंस के तौर से देख रही हूँ कि ये एक कोलैबोरेशन है ऑफ सम अमेजिंग पीपल, और हर इंसान को चुना गया है फॉर देयर यूनिकनेस. इट्स नॉट कि ही इज़ अ गुड डायरेक्टर सो आई जस्ट टेक हिम, नो, ही इज बिजॉय इज देयर बिकॉज ही इज़ अ गुड डायरेक्टर, बट ही इज़ ऑल्सो वेरी विजुअल डायरेक्टर, टेक्निकली अमेजिंग. तो एक विजन उनका अलग सा है. विधु विनोद चोपड़ा ही इज़ रिटन इट विद अभिजात जोशी. फरहान अख्तर हैं हु इज़ वी ऑल नो इनक्रेडिबल एंड सो
so amazing at what he does. Mr. Bachchan hai, whom we all look up to. Everybody in this film who has come together is there for a reason and has put all their heart and souls into making this film. And I feel it's a really nice combination of everything. Like Farhan said, ye ek thriller mystery hai, isme pace hai, but isme jo drama aur emotion hai, wo bahut strong hai. Toh wo aapko, it keeps you hooked to the film. And I think everybody wants to be touched. Every audience member wants to take a story home with them in their hearts. And I think and I hope that they will feel this about Wazir. मेरा ये मानना है कि जो हिंदुस्तानी फिल्म ऑडियंस है उन्हें कहानी बहुत पसंद है. जब वो फिल्म में जाते हैं तो वो चाहते हैं कि एक अच्छी कहानी उन्हें दिखाई जाए. तो ये बिल्कुल एक कोशिश रही है हमारी तरफ से कि एक अच्छी कहानी हम बनाएं, एक ऐसी कहानी बनाएं जो, जैसे उन्होंने अभी भी कहा कि आपके दिल को छुए, आपको थोड़ा एक्साइट भी करे क्योंकि जो थ्रिल है इसमें. तो ये सारी चीज़ें हैं, एक होलसम फिल्म है. तो बस यही उम्मीद करेंगे कि लोग जाएँ और जिस तरह की फिल्मों पर हम बड़े हुए हैं, जो कहते हैं होलसम मेन स्ट्रीम एंटरटेनमेंट, जाकर देखें, enjoy yourselves, go with your family. Okay, the last word. Doing, with all due respect, doing Wazir is a risk or a challenge? No, it's a celebration of being part of movies. I don't see it. Har film mein risk hai, har film mein challenge hai. Wo aisa nahi hai ki sirf Wazir mein hai. To har cheez mein koi na koi kuch daav pe laga hi raha hai. To wo alag baat hai. Lekin jis wajah se hum is film ko bana rahe hain, wo is wajah se hai kyunki ye jo kahani hai, ye bahut zaruri thi ki इस कहानी को हम दुनिया के साथ शेयर करें. क्योंकि इतनी एक अच्छी कहानी लिखी है उन्होंने कि पिछले कुछ 8-10 साल से मतलब वो सोच रहे थे कि बनाए ना बनाए. तो मुझे बहुत थैंक यू वेरी मच विदू, थैंक यू वेरी मच अभिजात फॉर गोइंग एंड मेकिंग दिस फिल्म एंड फॉर मेकिंग अस पार्ट ऑफ इट. एंड आई होप द ऑडियंस विल एंजॉय इट एज मच एज वी हैव मेकिंग द फिल्म.